हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और एक ब्लॉग में आप सभी की स्वागत है। और अभी बिहू की प्रस्तुति चल रहा है, लड्डू बड्डू बन रहा है। घर का जो मालिक है, उनका ऐसे तो ड्यूटी ऑफ है, लेकिन आज उनका नाइट ड्यूटी है, सो इसलिए थोड़ा सा मूड ऑफ है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। मम्मी इधर तिल को थोड़ा सा भून रहा है, उसके बाद चावल के आटे को थोड़ा सा भून रहा है। चावल के आटा, ये तिल, ये सब गांव से लाया है। अच्छा हुआ ये सब ना फेंकना पड़ा, इसलिए ज़्यादा वेट भी बढ़ गया था। अभी चाशनी रेडी करेंगे हम। और ये स्टफिंग है लाड़ू के लिए, चावल के लड्डू के, सॉरी चावल के आटे के लड्डू के साथ स्टफिंग। मुझे तिल के साथ अच्छा लगता है, क्योंकि नारियल के साथ मैं नहीं खा सकती, गैस प्रॉब्लम हो जाते हैं। और इधर थोड़ा सा चीनी भी डाला था। ये अभी हो रहा है तिल के लड्डू की तैयारी। वैसे तो करने का मन नहीं है, बट बिहू के हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ कर रही हूँ। इतना गर्मी है, कुछ भी कर, किचन में खड़े होने की ताकत नहीं है। मम्मी की तबीयत ऐसे ही इतना ठीक नहीं है, वो इतना गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फिर भी जितना हो सकता है, मुझे ये सब तो इतना नहीं आता है, बट तिल को थोड़ा सा भूनने के बाद हमने ना थोड़ा सा पाउडर टाइप का बनाया था। मम्मी बोलता है पाउडर बनाने से ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। और थोड़ा सा शुगर की सिरप मतलब कम हो गया था। मम्मी जब मैंने डाला था ना, तब बोल रहा था कि ज़्यादा होंगे तो गीला गीला होंगे, अच्छा नहीं लगेगा। बट मैं तो चलो लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। तिल के लड्डू रेडी है, बना रही हूँ। पता नहीं होगा या नहीं होगा, वैसे तो हो रहा है, बाद में पता चलेगा। तिल के लड्डू मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। किसको किसको पसंद है, मार्केट में ख़रीदने जाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा रेंज लेता है। बट हाँ, इसको बनाने के लिए भी मतलब परिश्रम तो होता ही है। लाड़ू पीठा ये सब बिहू में तो बनता ही है हमारी उधर। नमकीन वगैरह नहीं बनाऊँगी, बाद में बनाऊँगी, इतना नहीं है, थोड़ा सा बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। गर्मी है, ज़्यादा ये सब खाने का मन भी नहीं करता है। और अभी मम्मी बना रहे चावल के आटे को, आटे की तरह ही मतलब इसका लाड़ू बनेगा।
हालांकि मन नहीं है आज कुछ भी बनाने का, बट हाँ बिहू मम्मी भी है, हस्बैंड आज नहीं आए तो कल आ जाएंगे, ड्यूटी है। सो और त्यौहार के दिन इस तरीके से मतलब नाइट ड्यूटी वगैरह लगता है ना, इरिटेशन होता है, बहुत गुस्सा आता है। अभी तक नए साल का कपड़ा भी नहीं मिला है। सो अभी हम लोग नारियल के लड्डू बना रहे हैं। और ये लड्डू बन गया है, इसको लाड़ू पीठा बनते हैं। अब ज़्यादा ऑयली वगैरह खाने से अच्छा है थोड़ा सा बॉयल वगैरह खाए। और इसको कुकर प्रेशर कुक किया था नीचे 4 चम्मच देके, क्योंकि मेरे पास स्टीमर नहीं था तो प्रेशर कुकर में ही किया था, बट बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और इसको अभी हम दही दही के साथ खाएंगे। आप देख सकते हो सॉफ्ट है बहुत ही, अंदर इसी तरीके से होता है। थोड़ा सा सोए थे, थोड़ा सा नहीं, आज 2 घंटा सोए थे, इतना थक गए थे, मम्मी की तो हालत ख़राब हो गई थी, वो तो खाना के बीच में ही सो गए थे, खाना मतलब हम लोग थक के रखे थे, वो फिर उठने के बाद खाए थे। और इतना गर्मी है ना, कूलर भी काम नहीं कर रहा है, और पता नहीं वॉइस ओवर में आप लोगों को कैसे दूँ इतनी, थोड़ा सा टाइम के लिए फ़ैन ऑफ करो ना, आँख उबलने लगता है। अभी जस्ट मतलब फ़ैन 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 के नीचे नीचे ही बैठ घूम रही हूँ, मम्मी को तो बर्दाश्त भी नहीं रहा इतना गर्मी। सबका अलग अलग होता है। और आज से बिहू स्टार्ट हो गया है, आज गोरू बिहू बोलता है, मतलब गाय वगैरह गोरू वगैरह को ना, जो काऊ होता है उनको खेतों में ले जाके, मतलब उसमें हल्दी मुझे इतना नहीं पता क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, मतलब उन लोगों को नहलाते हैं और भी बहुत कुछ रिवाज वगैरह होता है। सो मतलब मुझे, मैं इतना डिस्क्राइब नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद ही मतलब नहीं जानती हूँ, 10 साल से नहीं किए हूँ। और पहले भी हम लोग गाँव में थी तो इतना भी ध्यान नहीं दिया था, वो गाँव में हमारे इतना नहीं था तो इसीलिए। और शायद 15-16 साल से तो हम लोग शहर में ही रह रहे हैं, मम्मी 17-18 साल से शायद हम लोग शहर में ही, मम्मी भी मतलब मायके में भी शहर में ही शिफ्ट हो गए थे, तो पता नहीं चल रहा था गांव का इतना रीति रिवाज याद नहीं है अभी। और भी साग वगैरह मतलब खाना था, लेकिन हम लोग उस दिन साग लाना भूल गई थी मार्केट जब गए थे, कोई बात नहीं संडे को लाएंगे। और आज ना बिहू के दिन हस्बैंड घर में नहीं है, एक्चुअली इन लोगों का कुछ पैकेज मतलब आज बंद था, 3 दिन बंद था, लेकिन आज इनको ड्यूटी मिला नाइट ड्यूटी, रात नहीं आने वाले हैं। अब बोलो मैं क्या बोलूँ, बंद होता तो थोड़ा सा हम लोग अभी तक नए साल के ख़रीदारी भी नहीं हुआ, कपड़ा वगैरह भी नहीं खरीदे, मम्मी ने पैसा तो दिया है लेकिन ख़रीदने के लिए जाने के लिए भी हमें लेके जाना तो बंदा तो सही है ना, उनके बिना हम कैसे जाएंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से रंगाली बिहू की और बहाग बिहू की और नए साल की SMS न्यू ईयर बंगाली नववर्ष और हार्दिक शुभकामनाएँ और कि পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা রইল, ইটস ফর অল দ্য বেঙ্গলিজ। নতুন অসমীয়া নববর্ষর শুভেচ্ছা থাকিল দেই গোটেই অসমবাসী রাইজলৈ, মোৰ তৰফৰ পৰা, মোৰ পুৰা ফেমিলিৰ তৰফৰ পৰা। আৰু আপ সবি কবি বিহু কি হাৰ্দিক শুভকামনাই, নিউ ইয়াৰ কি বহুত সাৰে শুভকামনাই। ইয়ে বহুত হি মতলব घर में होते ना तो आप लोगों को ये सब फेस्टिवल दिखाती, बहुत अच्छा लगता, बट अगर ज़िंदा रहे अच्छे से रहे तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर दिखूँगी, दिखाऊँगी क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। हर्षिता को थोड़ा सा अभी थोड़ा सा रेडी कराऊँगी और थोड़ा सा दही वगैरह खाऊँगी, पेट इतना गर्म हुआ है ना, और मैं अभी ये देख लूँ फ्रिज का 2 लीटर वाला पानी लेके के बैठी हूँ ताकि पेट को ठंडा करूँ। तो चलो देखते रहिए क्या होता है क्या नहीं होता है। सो हर्षिता को रेडी करने से पहले सोचा हम लोग पिठा खा लेते हैं, बहुत गर्मी लगे हैं तो दही के साथ ही खा लेते हैं, मैं चाय नहीं बनाई हूँ इवनिंग के लिए। और ये ना दही के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा गुड़ डाला है और नमक डाला है स्वाद अनुसार, बहुत ही हेल्दी है, कोई ऑयल वगैरह नहीं है। ऑयल से भी आप मालपुआ वगैरह भी बना सकते हैं, बट मैं गर्मी के हिसाब से ये वाला पिठा बनाई, बहुत ही टेस्टी था, यम्मी था बहुत दिनों के बाद। और गुड़ और दही को मिक्स करके उसके साथ हम लोग ये पेठा खाते हैं, नहीं मर्जी ऐसे भी खा सकते हैं, चाय के साथ खाली भी खा सकते हैं, बट मुझे इसको दही के साथ अच्छा लगता है, दही जस्ट लाइक सॉस, मतलब मोमो की सॉस। और ये बॉयल बहुत ही अच्छा लगता है, इसको बोलते हैं लाड़ू पिठा, पता नहीं किसकी कौन कौन खाते या नहीं खाते। तो जी यस हर्षिता को पिठा खाने के बाद रेडी करने की कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन किसी भी कीमत में नहीं दे रहा है,
कपड़ा पहनना पहन ये मतलब हम लोग नेपाल चादर पहनाना चाहते थे लेकिन नहीं दे रहा था। फिर ऐसे ही एक बना लिया थोड़ा सा फोटो शूट करने के लिए, रो रहा था। उसी में से कुछ फोटो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, होप आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा नहीं की हूँ, मन उदास है, हस्बैंड नहीं है घर में, तो गर्मी भी ज़्यादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ साथ ज़रूर रहिएगा। और फिर भी जैसे तैसे करके थोड़ा सा कोशिश किया फ़ोटोशूट करने का हर्षिता के साथ। तो चलो मिलते हैं और एक ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही गाइस। हैप्पी बिहू टू ऑल।